हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज बच्चों ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, बशर्ते पूरा वीडियो आपको देखना होगा, है ना? और वीडियो बहुत छोटा है बच्चों, 5-6 मिनट का वीडियो होगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। आज का टॉपिक है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस कोलवे का वैद्युत अपघटन, यानी सोडियम कार्बोक्जिलेट को लेते हैं, उस पे विद्युत के द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको अपघटित करते हैं। RCOOCN। इसका अगर विघटन होगा बच्चों तो इस पे माइनस और सोडियम पे प्लस, क्योंकि सोडियम मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? इससे बनेगा आर आर प्लस CO2। ए जो है बच्चों एनोड पर होगा, है ना? एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, प्लस NaOH H2। ये जो बनेगा बच्चों कैथोड पर, है ना? कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बना, है ना? ये तो आसानी से आपको यह समझ में आने रहा, चूंकि ये तो रिएक्शन है कि नहीं? अब आसानी से समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन की क्रिया होती है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, यानी सोडियम है Na+, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ए बना देगा Na, है ना? सोडियम मेटल। अब बच्चों सोडियम जो है वाटर से रिएक्ट करेगा H2O से, ए बना लेगा NaOH+ H2, है ना? H2। अब हम लोग देखते हैं एट एनोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, यानी RCOO-, है ना? एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लॉस करता है तो यहां जो है RCOO फ्री रेडिकल्स हो जाता है, है ना? और फ्री रेडिकल्स को अगर तोड़ना है बच्चों तो आर अल्काइल फ्री रेडिकल्स प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दो अल्काइल को लेते हैं आर आर, है ना? इसको कोपलिंग करते हैं, कोपलिंग, तो ये आर डैश आर बना देता है जो कि अल्केन है, क्या है? अल्केन है। यही तो है बच्चों कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं RCOO, है ना? ये जो है रेडिकल्स है, ये जो है आर रेडिकल्स प्लस CO2 में कैसे कन्वर्ट हुआ, है ना? अब बच्चों यहां देख लिया जाए, रेडिकल्स है तो कहता है यहां से होमोलाइटिक फिजन होगा, है ना? तो यहां जब होमोलाइटिक फिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, और यहां है कंबाइन होकर के CO2 गैस बना देगा। यही है बच्चों आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके समस्या को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।